माय फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हो आप? तो वही हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में तो आप हमेशा व्यस्त रहते हो क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो। तो मैं चंचल कुलदीप आपका स्वागत करता हूँ इस आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इसे नीट। और हमने बायोलॉजी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसके दो लेक्चर अभी तक आपके इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और दो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाया, चैप्टर की सोल को टच करने की कोशिश की है कि चैप्टर को जो पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन वो कहना क्या जाता है और इस चैप्टर को पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्यों है हमको। तो इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमको ये चीज समझ में आई कि ये चैप्टर इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हम जो चलते हैं, ये जो मैं बोलते टाइम मेरे जो लिप्स मूव कर रहे हैं, मेरी जो पलके झपक रही है, ये जो मैं हाथों के सारे कर रहा हूं, ये किस वजह से हो पा रहे हैं? ये दो इंपॉर्टेंट सिस्टम जिनका नाम है मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम की वजह से हो पा रहा है। तो चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें दो सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी के दो सिस्टम आपको पढ़ रहे हैं, स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम। तो पिछले लेक्चर तक मैंने आपको यह समझा दिया था कि मसल्स क्या होती है, मसल्स क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई थी कि मसल्स की चार प्रॉपर्टी होती है, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कौन सी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। और पिछले लेक्चर में थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई कि मैं जब साइड में हटा तो मैं बोल रहा था ना, देखिए पिक्चर जो है वो स्केलेटल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये मस्कुलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो थोड़ा सा एडिटिंग करने में से याद नहीं रहा मेरे को। तो आप एक बार ये देख सकते हो कि ये तो आपको स्केलेटन सिस्टम दिख रहा है, ये देखिए जिसमें बोन ही बोन दिख रही है ना आपको, ये तो क्या है, स्केलेटन सिस्टम। अब इन स्केलेटन सिस्टम से क्या अटैच होती है, ये मसल्स अटैच होती है जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। तो देखिए कि आज हम देखेंगे, आज पिछले लेक्चर तक हमने ये तो देख लिया था मसल्स क्या है, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा? टाइप्स ऑफ मसल्स, मांसपेशियों के प्रकार। देखिए आपके तो डॉक्टर बनने के बाद में हैंडराइटिंग खराब होगी, मैं तो बना भी नहीं फिर भी मेरी हैंडराइटिंग खराब है। तो अगर कोई चीज वर्ड समझ में नहीं आता है ना, तो आप उसको समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि बाद में आपकी हैंडराइटिंग की भी कोई समझेगा। जब आप ऐसे लिख दोगे ना, ऐसे ही कीड़ी मकोड़ों की तरह जैसे पेन चला दोगे, तब वो सामने वाला कैसे समझेगा? तब आप मेरी हैंडराइटिंग को, मेरा दुख समझने की आप कोशिश कीजिए, समझ रहे हो? हाँ, पहली बात तो ये करें कि जो मसल्स के टाइप हम पढ़ रहे हैं ना, वो किसके बेस पर पढ़ रहे हैं? तो ये किसके बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट है, उस बेसिस पर कितने टाइप की मसल्स है, तीन टाइप की। तो पहले टाइप की जो मसल्स है उसका नाम है स्केलेटन मसल, या इसी का एक और नाम है स्ट्रेटेड मसल, इसी का एक और नाम है वॉलंटरी मसल, और इसी का एक और नाम है फैटिग मसल। देखिए इतने सारे नाम एक साथ लिखा दिए, तो इन चारों नाम में इसकी सभी प्रॉपर्टी को भी मैं यहीं पर खत्म करवा दूंगा। तो देखिए स्केलेटल मसल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्टली किससे अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच विथ बोन्स,
डायरेक्ट हमारी जो बोन होती है, मतलब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, उससे डायरेक्टली जुड़ी होती है। जैसे मेरा ये हाथ है, तो हाथ में बोन कौन कौन सी है, यहाँ पर रेडियस और अल्ना है, और रेडियस और अल्ना पर मसल्स प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट किससे, बोन से अटैच है ना, तो ये क्या होगी, स्केलेटन मसल होगी। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म भी दे रखा है एनसीईआरटी में कि देखिए, जो मैं अपने हाथ को मूव करवा पा रहा हूं, जब मैं गति कर पा रहा हूं, तो वो मैं किसकी वजह से कर पा रहा हूं, मेरा स्केलेटल सिस्टम मूव कर रहा है, मेरा कंकाल तंत्र मूव कर रहा है, लेकिन उसको मूव कौन करवा रहा है, मूव करवा कौन रहा है, मसल, कौन सी, स्केलेटल मसल। तो इसी कारण से ये मसल से स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी होती है, इसी कारण से हम क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते, क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते और मूव कर पाते। तो ये मुख्यतः किसमें, लोकोमोशन एंड पोस्चर चेंज में क्या है, लोकोमोशन करने में और पोस्चर मतलब स्थिति दशा परिवर्तित करने में, मैं इस टाइम ऐसे हूं, इस टाइम ऐसे हूं, दूसरे टाइम में ऐसे हुआ, तो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मेरी स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन मसल में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। स्ट्रेटेड क्यों बोलते हैं, देखिए इसको हिंदी में बोलेंगे कंकालीय, कंकालीय पेशी। स्ट्रेटेड को हिंदी में बोलेंगे रेखित पेशी। तो रेखित क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस मसल्स को देखने पर रेखाएं, धारियां या स्ट्रिप्स दिखाई पड़ती, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल, रेखित पेशियां। तो इस पर क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रिप्स या बोले तो लाइंस, धारियां। धारियां क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेटेड मसल बोला जाता है। वॉलंटरी बोले तो हिंदी में बोले तो ऐच्छिक, ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं हाथ को मूव करवा पा रहा हूं, तो ऐसे थोड़ी है कि जैसे मैंने कोई बाहर से दूसरा व्यक्ति आया और वो उसने बोला कि सामने वाले व्यक्ति का हाथ मूव करे, तो मेरा हाथ मूव करने लग गया, ऐसे थोड़ी ना, मैं अपने हाथ को उठा पा रहा हूं, तो मैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा तो उठा पा रहा हूं, मेरे जब मैं चाहूंगा तभी तो हाथ को उठा सकता हूं, जब मैं चल रहा हूं तो मैं जब खुद चाहूंगा कि मैं मूव करूं, लोकोमोशन करूं, तभी तो मेरे अंदर लोकोमोशन होगा। किसकी वजह से, स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल्स की वजह से। तो स्केलेटन मसल्स है वो डायरेक्टली हमारे विल पावर, विल पावर मतलब इच्छा शक्ति के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल, और इच्छा शक्ति के द्वारा तो कंट्रोल होती है, मतलब इसको कंट्रोल कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार के होते हैं, सेंट्रल पेरिफेरल। तो जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो कौन सी एक्टिविटी करवाता है, जो हमारी इच्छा शक्ति के द्वारा होती है, विल पावर के द्वारा। तो वॉलंटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि कंट्रोल बाई, कंट्रोल्ड बाई सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या डायरेक्टली इसको क्या बोल सकते हैं, विल पावर, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, इसको कंट्रोल। और फैटिक मसल, फैटिक मसल बोले तो थकने वाली पेशियां, थकने वाली। जब मैं ये लिखवा रहा हूं और आप जब नोट्स लिख रहे हो, तो लिखते लिखते आपके हाथ में दर्द होने लगता है कि नहीं, तो हाथ में दर्द क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर मसल्स, स्केलेटल मसल्स काम कर रही है। तो जब वो लगातार कंटिन्यू काम करती है, तब उसमें किसका डिपोजिशन होने लगता है, लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण उसमें क्या आ जाती है, थकान आ जाती है, फटिगनेस आ जाती है। ना बात समझ में, हाँ, तो फटिगनेस क्यों, क्योंकि इसमें डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से इसमें क्या आती है, फैटिग नेस आती है, मतलब ये जल्दी से थक जाती है। तो ये पहले टाइप की मसल्स थी, सॉरी, पहले टाइप की मसल्स थी जिनको स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, ये मेरे को पहुंच गया, लिखा और ये मैंने यहां से हटा दिया।
दूसरे टाइप की मसल देखिए आप, दूसरे टाइप की मसल देखिए आप, स्मूथ स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल? स्मूथ मसल। इसी का दूसरा नाम है नॉन स्केलेटन। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा? नॉन फैटिग, नॉन फैटिग मसल। स्मूथ मसल, नॉन स्केलेटल मसल, नॉन फैटिग मसल, और जो हमने अभी एक नाम देखा ना था ना, वॉलेंट्री, तो ये क्या होगी? इनवॉलेंट्री। कौन सी होगी? इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। स्मूथ का मतलब चिकनी, चिकनी पेशी। और नॉन स्केलेटल का मतलब अकंकालीय, नॉन मतलब फैटिक मतलब न थकने वाली। और इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक पेशी। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इनको, इनको इसलिए नॉन स्केलेटल तो क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये स्केलेटन सिस्टम से, स्केलेटन सिस्टम या बोन से अटैच नहीं होती। नॉन फैटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड नहीं होगा। और अगर इनमें थकान आएगी भी तो जल्दी से नहीं आएगी। तो या तो ऐसे बोल सकते हो आप कि ना थकने वाली पेशियां, या ऐसे बोल सकते हो आप कि जो जल्दी ना थकती हो। इनमें थकान आएगी लेकिन जल्दी से नहीं आएगी थकान, ठीक है। इनवॉलेंट्री मतलब क्यों? अनैच्छिक। जैसे मेरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन सी मसल पाई जा रही है? स्मूथ मसल, स्मूथ मसल पाई जा रही है। तो क्या मैं ऐसे थोड़ी है, मेरा जो स्टमक है उसमें भी स्मूथ मसल है, तो ऐसे थोड़ी है कि मैं जब चाहूं, जब मेरा इस ये जो स्टमक है वो चर्निंग मूवमेंट करने लगे और मैं ऐसे चाहूं कि स्टमक में मूवमेंट ना हो तो वो रुक जाए, तो वो जो सारा का सारा काम हो रहा है ना, तो वो हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। फीमेल की यूट्रस में कौन सी मसल पाई जाती है? जो मायोमेट्रियल लेयर होती है यूट्रस की बीच वाली, उसमें कौन सी मसल पाई जाती है? स्मूथ मसल। तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन जब होगा ना पार्चुरेशन के दौरान, तो वो ऑटोमेटिक होता है, कंट्रोल में थोड़ी होता है। तो कंट्रोल में नहीं होता मतलब इच्छा के विरुद्ध हो रहा है, तो वो कैसा हो गया? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। और अनैच्छिक जो फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा कंट्रोल। आई बात समझ में? और स्मूथ क्यों बोलेंगे? स्मूथ बोल सकते हो आप इनको, या फिर इनको नॉन स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड बोल सकते हो, या इसको अरेखित बोल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि इन पर जैसे स्केलेटल मसल्स पर क्या पाई जाती है? स्ट्रिप्स पाई जाती है, धारियां पाई जाती है, वैसे इन पर स्ट्रिप्स या धारियां नहीं देखने आपको मिलेगी। तो या स्ट्रिप्स या लाइंस नॉट प्रेजेंट। तो मैं लिखता हूं ना प्लस लिख करके एंटी, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात थी? ये स्मूथ मसल के बारे में बात थी। और इसी का एक और नाम है, इसी का एक और नाम है विसरल, विसरल, विसरल मसल। अंतरांगीय, दिख रहा है ना अंतरांगी? देखो नाम से पता चल रहा है अंतरांगी मतलब जो आंतरिक अंगों में प्रेजेंट होगी, आंतरिक अंगों में प्रेजेंट होगी। तो क्यों? क्योंकि ये लोकेटेड, लोकेटेड इन द होलो ट्यूबुलर,
ऑर्गन। जैसे एग्जांपल के लिए एलिमेंट्री कैनाल और यूट्रस। यूट्रस तो यही विसरल मसल जो है वो भी इसी का नाम है, विसरल मसल या अंतरांगी पेशी। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक अंग, जैसे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो हमारे अंदर ही तो है, ऐसे थोड़ी कि बाहर लटकी हुई है, और जो यूट्रस है वो भी इस बॉडी के अंदर ही है। तो ऐसे ऑर्गन्स में क्या पाई जाती है? ये मसल, स्मूथ मसल पाई जाती है, तभी तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम तीसरे टाइप की मसल देखते हैं। तो ये लिख लिया, ये मेरे को आपने पोज कर लिया बीच का बटन दबा करके, और मैं पोज हो गया और आपने लिख लिया, और मैं इसको मिटा दिया। देखो जब मैंने ये सारे अलग अलग नाम लिखा है ना, तब इनके बारे में अब अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, स्मूथ मसल के बारे में। तो इन नाम में इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी मैंने शामिल करवा दिए। लास्ट और आखिरी टाइप की मसल, लास्ट आखिरी टाइप की मसल कौन सी है? वो है कार्डियक। कार्डियक मसल, या हिंदी में बोले तो, हिंदी वाले स्टूडेंट भी लिख लेना, हृदय पेशिया। वो पेशिया, वो मसल जो हमारे हृदय में, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, हमारे दिल के अंदर जो प्रेजेंट होगी। तो ये दिल जो शब्द है ना, वो कहीं भी किसी भी बायोलॉजी की बुक में इस्तेमाल नहीं किया गया है। बायोलॉजी की बुक में तो आपको हार्ट देखने मिलेगा, कार्डियक देखने मिलेगा, हृदय देखने मिलेगा। ये जो दिल का जो शब्द है ना, वो हमारे दिमाग की उपज है, हमने खुद बनाया दिल। और बनाते भी कैसे इसका डायग्राम? ये ऐसे 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 बनाते हैं, और जब इससे भी मन ना भरे तब इसमें ऐसे एक और ऐसे तीर सा लगा दिया जाता है, दिल को जख्मी कर दिया जाता है, जख्मी दिल बना दिया जाता है। लेकिन अब जब आप इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तब कैसा होता ना, ये जैसे बहुत ही गंदा सा डायग्राम होता है इसका, ऐसे बंद मूर्ति की तरह। तो इससे तो बहुत वो काफी अलग है। तो ये तो हमने खुद बनाया है होमो सेपियन ने, ऐसे को कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और उसमें एक तीर भी अंदर डाल दिया। जब थोड़ी सी इसमें इंजरी भी आ जाएंगी ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ की बात। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आप सारी चीजों को अच्छी तरह समझते होंगे, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे बचकाने रखते नहीं करोगे, ठीक है। तो चलो आगे, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि कहां पर प्रेजेंट हो, कार्डिया जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है? हार्ट के लिए। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इन मायोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। देखिए जो हार्ट है उसमें तीन लेयर, जो हार्ट है उसकी जो वॉल होती है उसमें तीन लेयर पाई जाती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो जो बीच की वाली लेयर होती है ना, मायो, मायो कल बताया था ना आपको, मायोलॉजी, सार्कोलॉजी, मायो किसके लिए यूज किया जाता है? मसल्स के लिए। तो जो मायोकार्डियम लेयर होती है उसमें कौन सी मसल पाई जाती है? कार्डियक मसल। तो जो हार्ट मूव कर पाता है, पंपिंग कर पाता है, वो किसकी वजह से? इसी मसल्स की वजह से, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में सवाल आ चुका है, तो स्ट्रक्चरली स्ट्रक्चरली तो कैसी होती है, मतलब संरचना की दृष्टि से कैसी होती है? स्ट्रेटेड। मतलब जब आप इस मसल को देखोगे तो इस पर आपको धारियां दिखाई देगी, लेकिन फंक्शनली कैसी होती है? फंक्शनली कैसी होती है? इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री मतलब ऐसे थोड़ी है कि मैं जब चाहूं मेरा जो हार्ट है वो धड़कना स्टार्ट कर दे, जब मैं चाहूं वो धड़कना बंद कर दे। अगर एक भी मिनट के लिए धड़कना वो बंद कर देगा तो
समझ गए ना आप, समझाने की आगे जरूरत नहीं है। और ये जो है कभी भी नहीं थकती है, कभी भी नहीं थकती है, कभी भी नहीं कभी भी नहीं थकती है। समझ में नहीं आ रहा क्या? जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लिख लो कि कभी भी नहीं थकती है, फटिगनेस कभी भी इसमें नहीं देखने आपको मिलेगी। अगर हार्ट एक मिनट के लिए भी थक गया, वैसे बोले नहीं आज मैं थक गया काम नहीं करूंगा, तो वो काम नहीं करेगा तो बंदा तो काम करने के लायक ही नहीं रहेगा। समझ की बात को? और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, जब मैं आपको तीनों मसल्स में डिफरेंस करवाऊंगा ना, तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होती है और ये किसकी प्रॉपर्टी है। इंटरकैलेटेड डिस्क ये प्रॉपर्टी है कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी। तो ये किसकी बात थी, कार्डियक की बात थी, हृदय पेशी की बात, ठीक है, जो कंटिन्यू क्या करता है, पंपिंग करता है, कभी भी थकता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, तो टाइप्स ऑफ मसल्स हमारे क्या हुए, कंप्लीट हो गए। लिख लो आप इसको, तो आपने लिख लिया होगा। अब टाइप्स ऑफ मसल्स कंप्लीट होने के बाद में हमको जो डिटेल में मसल्स देखनी है, तो लोकोमोशन होगा वो किसकी वजह से होगा, स्केलेटल मसल की वजह से। तो जो हमको स्केलेटल मसल्स को बहुत ही डीप जाकर के वो पढ़ना होगा, और स्ट्रक्चर के साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि स्केलेटल मसल फंक्शन कैसे करती है। तो ये कार्डियक मसल और स्मूथ मसल तो यहीं पर खत्म होती है, अब हमको स्केलेटल मसल को डिटेल में देखना है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। तो पहली जो मसल है, सॉरी स्केलेटल जो मसल है, हेडिंग लिख लो आप, डिटेल में जिसको पढ़ेंगे। अब दो तीन लेक्चर में यही चलेगा, स्केलेटल मसल ही चलेगी, स्केलेटल मसल, कंकालीय पेशिया, हिंदी हिंदी माध्यम के स्टूडेंट लिख ले कंकालीय पेशिया, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे ये बोन है, जैसे ये क्या है, ये दो बोन है, जो बोन है वो आपस में कनेक्ट किसके थ्रू रहती है, वो आपस में कनेक्ट किसके थ्रू रहती है, वो आपस में कनेक्ट रहती है, ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम होता है लिगामेंट। ये क्या है, लिगामेंट। तो लिगामेंट को लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, तो ये क्या है, लिगामेंट, लिगामेंट इंडियन बोले तो स्नायु लिगामेंट। लेकिन मैंने अभी बताया आपको स्केलेटल मसल किस से अटैच होती है, बोन से। अरे तो ये मान लो कि ये मसल है, जैसे कि ये क्या मान लिया हमने, ये रेड रेड जो दिखा रहा हूं वो क्या है, ये क्या है, मसल। तो वो बोन से किसकी सहायता से अटैच होगी, तो वो एक स्ट्रक्चर की सहायता से क्या होती है, अटैच होती है। तो ये देखिए, ये वो स्ट्रक्चर है, तो ये रेड वाली तो मैंने क्या लिख दी, ये तो क्या है, स्केलेटन मसल। और जिस स्ट्रक्चर की सहायता से अटैच हो रही है उसको बोला जाता है टेंडन, हिंदी में बोले तो कंडरा, कौन सा डरा, कंडरा। तो यहां पर देखिए, जो बोन को बोन से जो कनेक्ट करेगा वो कौन होगा, लिगामेंट। लिगामेंट क्या करेगा, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, और जो बोन को मसल से कनेक्ट करेगा, बोन को जो मसल से कनेक्ट करेगा
उसको बोला जाता है क्या? टेन डन। कौन सा डन? टेन डन। आई कि नहीं बात समझ में? अब ये कहां पर आपको देखने मिलेगा? सर ये तो इस चैप्टर में है ही नहीं, तो ये कहां पर है? एनसीईआरटी का जो सेवंथ चैप्टर है, इलेवंथ क्लास का, कौन सा? एनिमल टिश्यू वाला। तो वहां पर ये आपको देखने मिलेगा। लेकिन मैं जब चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ तो कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं पढ़ाता हूँ, जहां पर भी जिस भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी तो वो टॉपिक वहीं पर आपको खत्म करवा देता है, लैब खत्म काम। तो बोन हड्डी, हड्डी से किस स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी रहती है? लिगामेंट से। और जब बोन है वो मसल से किस स्ट्रक्चर द्वारा जुड़ी रहती है? टेंडन या कंडरा की सहायता से। तो आप पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं। तो आपने लिख लिया, मैं ये मिटा रहा हूं। देखिए अब स्केलेटन मसल के बारे में देखिए, मैं अभी इसकी थ्योरी लिख रहा हूं, शुरू में, शुरुआत में इसकी क्या लिख रहा हूं? थ्योरी लिख रहा हूं। उसके बाद में अभी जैसे थ्योरी लिखू ना, तो आप इसमें डर मत जाना कि समझ में नहीं आ रहा। जैसे डायग्राम में समझाऊंगा ना आपको, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, एक मसल ली, हमने क्या लिया, स्केलेटन मसल ले ली। अब जो मसल है ना, उस मसल के जब अंदर हम जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे बंडल आपको देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? छोटे छोटे बंडल। तो मसल में क्या देखने मिलेंगे? मसल, बंडल, जिनको बोला जाता है फेसिकुलाई, या फेसिकल, फेसिकल। क्या बोला जाता है? फेसिकल या फेसिकुलाई। और इन मसल बंडल के अंदर बहुत सारी मसल सेल देखने आपको मिलेगी। अरे मसल एक टिश्यू है, तो टिश्यू के अंदर आपको सेल तो देखने मिलेगी ना। कोई भी जो टिश्यू है, कोई भी जो ऑर्गन है, उसमें फंक्शन कौन करती है? सेल ही करती है। तो मसल के अंदर क्या है? मसल बंडल। और उन प्रत्येक मसल बंडल के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? बहुत सारे मसल सेल। तो इनके अंदर आपको क्या देखने मिलेगी? मसल, मसल सेल। और मसल सेल को क्या बोला जाएगा? मसल सेल को बोला जाएगा मायोसाइट या माइक्रो मायोसाइट। एक मिनट, या इनको बोला जाता है मसल फाइबर। क्या बोला जाएगा? मसल फाइबर। और इन मसल सेल के अंदर देखिए, मसल सेल के अंदर वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगी, मसल सेल का हम डायग्राम भी देखेंगे। लेकिन जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे काम की चीज है, जो मेनली लोकोमोशन में और मूवमेंट में जो हेल्प करवाती है, वो कौन होती है? मायोफिलामेंट। क्या होते हैं? मायो फिलामेंट, या इनका एक और नाम है मायो फिब्रिल, मायो फिब्रिल, मायो फिब्रिल, ठीक है। और ये जो मायो फिलामेंट है, जो मायो फिब्रिल है, इसमें भी दो टाइप के क्या पाए जाते हैं आपको? दो टाइप के फिलामेंट आपको देखने मिलेंगे, एक्टिन फिलामेंट और, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। तो इसके अंदर आपको क्या देखने मिलेंगे? एक्टिन और मायोसिन। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है? हाँ। तो एक्टिन को बोला जाता है थिन फिलामेंट और मायोसिन को बोला जाता है थिक फिलामेंट, पतला तंतु और मोटा तंतु। लेकिन यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट आप समझिए, कि जो मसल की आउटर कवरिंग होगी, कि जो मसल की आउटर कवरिंग होगी, मसल की जो आउटर कवरिंग, उसको बोला जाएगा एपी माइसियम।
क्या बोला जाएगा? एपिमाइसियम। मसल के आउटर कवरिंग को बोला जाएगा एपिमाइसियम, और मसल बंडल की आउटर कवरिंग को बोला जाएगा, आउटर कवरिंग को बोला जाएगा पेरिमाइसियम। ठीक है, और ये जो मसल सेल है या जो मायोसाइट है इसके आउटर कवरिंग को बोला जाएगा आउटर कवरिंग को बोला जाएगा एंडोमाइसियम। क्या बोला जाएगा? एंडोमाइसियम। मसल की आउटर कवरिंग एपिमाइसियम, एपिमाइसियम। मसल बंडल की आउटर कवरिंग पेरिमाइसियम, और मसल सेल की आउटर कवरिंग एंडोमाइसियम। और मसल सेल के अंदर क्या देखने मिल रहा है आपको? मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल आपको देखने मिल रहे हैं, जो कि दो प्रकार के फिलामेंट से बने होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन को बोला जाता है थिन फिलामेंट, मायोसिन को बोला जाता है थिक फिलामेंट। तो ये थ्योरी वाला पोर्शन तो हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं हम समझा दे, तो आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं इसका डायग्राम यहाँ पर आपको बनाने जा रहा हूं, जिससे कि अच्छे तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लिख लो। क्या हुआ? अच्छा, हाँ देखिए, ये हमने ले लिया एक मसल, हमने ले लिया एक मसल। ये क्या है मसल? ये देखिए, ये एक स्केलेटन मसल है। हम मसल को ऐसे काट करके देख रहे हैं, तो ये तो आपको क्या दिख रही है? मसल दिख रही है, जिसकी आउटर कवरिंग क्या है? आउटर कवरिंग। क्या लिखा है अभी? एपिमाइसियम। जैसे मैं ये बना भी दूं, ये जो रेड रेड में बना रहा हूं, ये क्या है? आउटर कवरिंग। और मसल के अंदर क्या थी? मसल के अंदर बहुत सारी क्या थे? ऐसे बंडल, क्या थे? मसल बंडल। तो ये क्या है? मसल बंडल, जिनको क्या बोला जा रहा था? फेसिकुलाई या फेसिकल। ठीक है, और इनके जो आउटर कवरिंग थी, इनकी जो आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग को क्या बोल रहे थे हम? पेरिमाइसियम। जैसे मैं बना दूं, समझ जाओ आप ऐसे कि आउटर कवरिंग क्या होगी? पेरिमाइसियम। और इस मसल सेल के, मसल बंडल के अंदर बहुत सारी क्या देखने मिल रही थी? ये देखो, मायोसाइट या मसल फाइबर जिनको बोल रहे हैं। अब देखिए कि ये आपको यहां पर सामने से देखने पर राउंड राउंड दिखाई दे रही है, लेकिन ये ऐसे कैसी होती है? लंबी लंबी सेल, ऐसे सिलेंड्रिकल सेल होती है। ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, जब आप इस मसल को ऐसे करके देखोगे तब ऐसे इससे सिलेंड्रिकल सामने से देखो, ये पॉइंट की तरह दिख रही है ना, लेकिन वैसे कैसी होती है? सिलेंड्रिकल लंबी लंबी सेल होती है। तो ये क्या है अंदर? ये क्या है? ये मसल सेल, जिनको क्या बोला जा रहा था? मायोसाइट या मसल फाइबर इनको बोला जा रहा था। ठीक है, और इनके आउटर कवरिंग को क्या बोला जा रहा था? आउटर कवरिंग को क्या बोल रहे थे हम? एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। लेकिन लेकिन लेकिन
एक इंपॉर्टेंट टर्म एनसीईआरटी में दे रखा है, क्या? कि ये जो मसल बंडल है इनके बीच में एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है। ये कौन सा? ये जो क्या करता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू हमने मैंने अभी जो भरा ना मसल बंडल के बीच में, इसको बोला जाता है फेशिया। तो जो फेशिया क्या करता है, इन मसल बंडल को आपस में जोड़ करके रखता है, आपस में क्या करता है, जोड़ करके रखता है। तो ये क्या है? फेशिया। फेशिया क्या बोला जा रहा है इनको? FASCIA। ये क्या है? फेसिकुलाई। ये क्या है? फेशिया। तो एनसीईआरटी में यहां पर लिख रखा है कि मसल बंडल हेल्ड टुगेदर बाई ए कॉमन कोलेजिनस टिश्यू, जिसको क्या बोला जा रहा है? फेशिया। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या? समझ में आपको आ गया? तो आप इसको नोट कर लो, तो जो मैंने आपको थ्योरी लिखाई वो आपको पूरी यहां पर कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, एक मिनट, एनसीईआरटी में ये शब्द जो है ना बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, तो आप पहले इसको लिख लो, फिर मैं हिंदी भी लिख देता हूं कि जो मसल सेल है इसको हिंदी में बोला जाता है पेशी, तंतु या पेशी रेशे। क्या बोला जाता है? पेशी तंतु या पेशी रेशे। मसल बंडल को आप लिखते जाना हिंदी मीडियम वाले, मसल को तो मांसपेशी बोलते ही है, मसल बंडल को क्या बोला जाएगा या फेसिकल को क्या बोला जाएगा? पुलिकाए। क्या बोला जाएगा? पुलिकाए। तो लिख लेना आप पुलिकाए। मसल सेल को हिंदी में बोलते हैं पेशी तंतु या पेशी रेशे, पेशी तंतु या पेशी रेशे। और मसल सेल के अंदर मैंने पीछे लिखवाया ना, मसल सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? मायोफिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट, उनको हिंदी में बोला जाता है पेशी तंतुक। मसल सेल को क्या बोला जा रहा है? पेशी तंतु। और जो मायोफिलामेंट है उनको हिंदी में बोला जाएगा पेशी तंतुक। तो आप लिख लेना पीछे जहां पर मैंने आपको थ्योरी लिखवाई, तो जिससे कि आपके एनसीईआरटी पढ़ने में आपको दिक्कत ना आए, वैसे रीडिंग तो हम लगाएंगे, तो लिख लो। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था, आज की क्लास थी, जिसमें हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ मसल और स्केलेटन मसल की हमने स्ट्रक्चर देखी। अब आगे जाकर के हम आगे आने वाले लेक्चर में क्या देखेंगे? ये जो मसल सेल है ना, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर मसल सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट पाया जा रहा है, जो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा, मायोफिलामेंट, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। और उसकी स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि मसल में कॉन्ट्रेक्शन कैसे होता है। तो आने वाले 3-4 लेक्चरों में यही चलता रहेगा, तो बने रहे मेरे साथ ऐसे ही एक एक एनसीईआरटी के पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।